ऑप्शन सी एबसेंस ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स सो गई से हमसे बोला जा रहा है कि जो क्लेस्टोगेमी है वो इतनी हाई कॉस्ट नहीं इम्पोज करती प्लांट में लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्टेड रहती है टू द फ्यू प्लांट स्पीशीज क्यों हाई कॉस्ट इम्पोज करना मतलब है जैसे अब क्लेस्टोगेमी है ठीक है तो इसमें क्या रहता है फ्लावर जो रहते हैं वो क्लोज स्टेट में रहते हैं या फिर हम बोल सकते हैं बर्ड स्टेट में ही रहते हैं ठीक है फ्लावर ओपन ही नहीं होते ठीक है ये इनकी मेच्योर स्टेट रहती है ठीक है तो यहाँ पर मतलब कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है ठीक है कोई नेक्टर की जरूरत नहीं है ठीक है तो मतलब कोई पॉलिन रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ठीक है तो कोई भी फीचर नहीं होगा ऐसा मतलब जैसे अगर विंड पॉलिनेटेड है तो फ्लावर्स कैसे होंगे फ्लावर्स मतलब पॉलिन पॉलिनीस कैसे होंगे छोटे होंगे ठीक है ड्राई होंगे अगर वो इंसेक्ट इन्सेक्ट ना फ्लावर को कैसा होना पड़ेगा ब्राइट कलर होना पड़ेगा ठीक है ना नेक्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा एज ए फ्लोरल रिवॉर्ड तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं अलग अलग पॉलीनेटर्स की अब सिंस यहाँ पर क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा तो यहाँ पे कोई पॉलीनेटर की जरूरत नहीं है दैट मीन्स ये हाई कॉस्ट इम्पोज नहीं करता लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्टेड क्यों है कुछ स्पीशीज में बिकॉज सिंस यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है मतलब उसी फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो पर लैंड कर रहा है तो जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी वो नहीं आएगी ठीक है जेनेटिक वेरिएबिलिटी कब आएगी जब किसी दूसरे फ्लावर का पॉलिन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है एंड फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा उन दोनों फ्लावर्स के जेनेटिक uh, कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे लेकिन पॉलिनेशन हो, हो रही है तो कोई के है ही नहीं है? तो ये जो क्लिस्टोगेमी होती है कुछ ही प्लांट स्पीशीज पे रिस्ट्रिक्टेड रहती है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी चाहिए और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर